झारखंड एक ऐसा राज्य था जो कोरोना वायरस की चपेट से बचा हुआ था, लेकिन अब कोरोना ने यहाँ भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रविवार को कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 5 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से हैं, जबकि 1 रांची के सिमडेगा से है, तो वहीं दूसरा बेड़ो से है। 7 नए मरीजों के आने के बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 41 पहुँच गई है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेड़ो के करांजी गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बेड़ो में मिले कोरोना संक्रमित मरीज को प्रशासन ने क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद घर भेज दिया था, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से पूरा बेड़ो कंटेनमेंट जोन बन गया है। बेड़ो प्रखंड में 4 गांव के 11 लोग दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और 22 मार्च को वहां से घर लौटे थे। 1 अप्रैल को इन लोगों को खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। वहां से क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें 17 अप्रैल को घर भेज दिया गया। घर भेजने से पहले इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही घर भेज दिया गया और रविवार को इनमें से 1 शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब प्रशासन ने इस व्यक्ति को कोरोना वार्ड में पहुंचाने के साथ ही इसके परिवार को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। गाँव लौटने के बाद ये व्यक्ति कई लोगों से मिला भी था, अब उनकी भी तलाश की जा रही है। न्यूज डेस्क।